पांचों पांडव भाई जुए में अपना सब कुछ हार जाने के बाद द्रौपदी के साथ वन में रहते हुए अपना 12 साल का वनवास भोग रहे थे। उस समय पांडवों के उस वनवास के 11 वर्ष पूरे हो चुके थे और वह सभी कामव्यत नामक वन में अपना आश्रम बनाकर रह रहे थे। एक दिन पांचों पांडव भाई द्रौपदी को आश्रम में अकेला छोड़कर वन से फल फूल लकड़ियां आदि लेने के लिए गए हुए थे कि तभी राजा जयद्रथ अपने कई मित्र राजाओं और सेना के साथ उस वन से होकर शाल्व देश की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर अपने आश्रम के बाहर अकेली खड़ी द्रौपदी पर पड़ जाती है और उसकी नियत द्रौपदी पर खराब हो जाती है। जयद्रथ जब उस आश्रम में द्रौपदी के पास आता है तब उसे पता चलता है कि वह द्रौपदी है, परंतु यह जानने के बाद भी जयद्रथ द्रौपदी को बलपूर्वक उठाकर अपने साथ ले जाता है। पांडवों के पुरोहित धौम्य मुनि जयद्रथ को बहुत समझाते हैं कि वह द्रौपदी को छोड़ दे, पर जयद्रथ उनकी बात तनिक भी नहीं सुनता है और द्रौपदी को अपने रथ पर बिठाकर लेके चल पड़ता है। कुछ देर बाद जब सभी पांडव भाई अपने आश्रम में वापस आते हैं तो उन्हें द्रौपदी की रोती हुई दासी से द्रौपदी के अपहरण की कहानी पता चलती है और साथ ही यह भी पता चलता है कि उनके पुरोहित धौम्य मुनि भी उनके पीछे पीछे गए हैं। तब पांचों पांडव भाई अपने रथ जयद्रथ के पीछे दौड़ा देते हैं और कुछ दूर जाने के बाद जब पांडवों को जयद्रथ और उसकी सेना दिखाई पड़ती है तो पांचों पांडव भाई जयद्रथ के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। इस युद्ध में जब जयद्रथ के कई राजा मित्र और सैनिक मारे जाते हैं तो वह द्रौपदी को अपने रथ से उतार कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है, परंतु भीम और अर्जुन जयद्रथ का पीछा करते हैं। तब युधिष्ठिर उन दोनों से यह कहते हैं कि जयद्रथ हमारी बहन दुःशला का पति है, इसलिए उसे जान से मत मारना। उसके बाद युधिष्ठिर धौम्य मुनि और नकुल सहदेव के साथ द्रौपदी को लेकर वापस आश्रम चले आते हैं। अर्जुन और भीम दोनों मिलकर भागते हुए जयद्रथ को पकड़ लेते हैं, पर जैसा कि युधिष्ठिर ने कहा था कि वो उनका बहनोई है इसलिए वो उसे जान से नहीं मारते हैं, परंतु महाबली भीम जयद्रथ को पटक पटक कर अपने क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं और जब भीम का क्रोध तब भी शांत नहीं होता है तब वह जयद्रथ से अपनी दासता स्वीकार करवा के एक बाण से उसके सर के बाल मूंड कर 5 चोटियां छोड़ देते हैं और उसे बांध कर अपने आश्रम में ले आते हैं। सर मुंडे जयद्रथ को देखकर स्वयं युधिष्ठिर भी हंस पड़ते हैं, परंतु भीम का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए वह द्रौपदी से कहते हैं कि यह जयद्रथ अब हमारा दास बनकर रहेगा, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर जयद्रथ को आजाद करा देते हैं और उसे अपनी दासता से भी मुक्त कर देते हैं।